बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इन्फोकॉम कंप्यूटर यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे कुछ एक अलग नए टॉपिक के ऊपर, और वो टॉपिक है आज के दौर के अंदर आपको पता ही है कि इंटरनेट और सोशल मीडिया जो है हमारे इस वक्त जो है छोटे बच्चे भी इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि स्कूल जो है वो आजकल लॉकडाउन की वजह से कहीं पर बंद है, कहीं पर जज्वी तौर पर, कहीं पर कुल्ली तौर पर जो है वो ओपन है, कहीं क्लोज है, बंद है। तो इस लिहाज से जो अभी हम देखेंगे। दूसरा ये कि आप अपने बच्चों को ये भी अवेयरनेस दें, मतलब उनको नॉलेज दें कि जो जब वो गेमिंग करें तो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग भी होती है, ऑनलाइन गेमिंग भी होती है, जिसके अंदर जो है वो ऑनलाइन जो है मुख्तलिफ़ किस्म के, आपको नहीं पता कि सामने वाला जो है वो आपका तो बच्चा तो खेल रहा है, लेकिन सामने वाला जो है वो बच्चा है या कोई बड़ा है, अडल्ट है, तो वो किस तरह के जो है नापाक अजाइम रखता है बच्चों के लिए, तो वो किस तरह से बच्चों को अपने चुंगल के अंदर ले सकता है। तो आप इस चीज़ के बारे में भी अपने बच्चों को अवेयरनेस दीजिए कि किस तरह से आप इस तरह के लोगों से बच सकते हैं। उसमें यही है कि बच्चों को सख्ती से बताएं कि ऑनलाइन या गेम के दौरान जब ऑनलाइन गेमिंग करते हैं तो या ऑनलाइन स्ट्रीमिंग करते हैं तो उसके अंदर जो है गैर मुतल्लिका लोगों से बातचीत ना करें ज़्यादा, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा वो कोई चीज़ मांगे तो अपने पेरेंट्स को जो है वो जो है इन्फॉर्म करें कि देखें ये हमसे जो है हमारा आईडी मांग रहा है, या हमारा ईमेल एड्रेस मांग रहा है, या हमारा मोबाइल नंबर मांग रहा है, या हमारा एड्रेस मांग रहा है। तो बहुत सारे ऐसे पिछले केसेस इस तरह से आ चुके हैं कि जिसमें बच्चों को जो है मुख्तलिफ किस्म की उनकी तस्वीर मंगवाते हैं, और फिर तस्वीर मंगवाने के बाद उनको एडोब या फोटोशॉप के थ्रू जो है वो गलत वे में उसको शो करके बच्चों को दिखाते हैं और उनको ब्लैकमेल करते हैं, और ब्लैकमेलिंग के दरमियान में जो है बच्चों से पैसे भी मंगवाते हैं। तो वो मतलब ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक वाली बात है बच्चों के लिए, और पेरेंट्स को इस चीज़ के बारे में बहुत जो है मद्देनजर रखनी चाहिए इस पॉइंट को कि बच्चों को, जाहिर है देखें अब आज के दौर में जो है तमाम तर जो है हमारी एजुकेशन, चाहे वो स्कूल हो, छोटा प्राइमरी स्कूल हो या सेकेंडरी स्कूल हो, या कॉलेज लेवल हो, या यूनिवर्सिटी लेवल हो, या फिर हमारा कोचिंग सेंटर का लेवल हो, तमाम के तमाम बच्चे जो है इस वक्त ऑनलाइन ही एजुकेशन हासिल करते हैं। तो अब के दौर में जो है और ज़्यादा ख़तरा पड़ गया है कि साइबर क्राइम्स के जो होती हैं एक्टिविटीज़, उनसे हम अपने बच्चों को, मासूम बच्चों को किस तरह से बचाएं। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अब हम इन चीज़ों के ऊपर बातचीत करेंगे या डिस्कस करेंगे। तो आप लोग इस चीज़ को कम्प्लीटली जो है इसको देखिएगा और इसके ऊपर अमल कीजिएगा। अपने बच्चों के लिए इंटरनेट की हिफाजत को बेहतर बनाने के लिए तकरीबन ये 10 जो है नुकात हैं, या 10 जो है अमल हैं जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 1 आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। नंबर 1 सबसे पहले यहाँ पर आपको मिलेगा, अपने बच्चों को साइबर सिक्योरिटी और ऑनलाइन खतरात से आगाह करें। जी बिल्कुल, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे इंटरनेट पर वक्त गुजारें और सीखने के मौके से फ़ायदा भी उठाएँ, लेकिन आप ये भी चाहते हैं कि वो महफूज भी रहें। ऐसा करने के लिए आपको ऑनलाइन खतरात और शनाख्त की जो है तरीकों से बारे में आसान और बच्चों की ज़ुबान में वजाहत करने की ज़रूरत है। आप जितना खुलकर इन प्रॉब्लम्स के बारे में बच्चों के साथ डिस्कस करेंगे, बच्चों को उतना ही इस चीज़ के बारे में सीखने को मिलेगा। आप इंटरनेट पर अपने बच्चों के साथ होने वाली उनकी सरगर्मियों के बारे में, ऑनलाइन खतरात के बारे में जितना खुलकर बात करेंगे, उनके लिए ये समझने में आसानी होगी, और ऑनलाइन वो क्या देखते हैं, ये क्या सुनते हैं, आप उनको ये बावर करवा सकते हैं कि भाई डोंट सेंड योर पिक्चर, आप अपनी पिक्चर किसी अदर अननोन पर्सन को नहीं सेंड कीजिएगा, या फिर ये भी कह सकते हैं डोंट शेयर एड्रेस, आप अपना पर्सनल एड्रेस किसी के साथ शेयर नहीं करें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग गेमिंग के अंदर जो है बच्चों से बहुत सारी चीज़ें मालूमात हासिल करते हैं और ईजिली उनके कंप्यूटर को जो है वो एक्सेस कर लेते हैं, या ये भी सकते हैं कि आप डोंट शेयर लोकेशन, आप अपनी लोकेशन भी शेयर नहीं कर रहे। तो इस लिहाज से जो है आप अपने बच्चों को जितना खुलकर समझाएं इस चीज, इन चीजों के बारे में, उतनी ही तरीके से वो उसको समझ पाएंगे। जी टिप नंबर 2, अपने बच्चों के लिए इंटरनेट पर इस्तेमाल की हुदूद और वक्त बनाएं। बिल्कुल, आप अपने बच्चों का जो है शेड्यूल बनाएं कि इंटरनेट बच्चों के लिए एक दिलचस्प दुनिया हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर वालदेन वहाँ गुजारे हुए वक्त के बारे में वाकईतन परेशान हो जाते हैं कि भाई हमारा बच्चा बहुत ज़्यादा जो है ये टाइम दे रहा है और बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व है। अगर आप देखते हैं कि आपका बच्चा इंटरनेट पर रहने के लिए पूरी रात तक के लिए इसको इस्तेमाल करने की इल्लत पैदा कर रहा है, तो यकीन बनाएं कि आप इन्हें इस वक्त के बारे में वादा तौर पर बताएं
कि जब वो अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पर वक्त गुजार रहे हैं, मतलब आप उनको बताएं कि कौन सा वक्त और कितना वक्त आपने इंटरनेट या अपना कंप्यूटर इस्तेमाल करना है। तो वालिदैन को ये भी वादा करना चाहिए कि उनके बच्चे जब ऑनलाइन आए तो वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, ताकि बच्चों को मालूमात हो इस चीज़ के बारे में। या ऑनलाइन रहना एक परेशानी का काम हो सकता है, और हम ये हमेशा अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये बहस या तबसरे या ये सोशल मीडिया का नेटवर्क मतलब हमें किस किस्म के लोग मिलते हैं या किस किस्म के लोगों से हमारे बच्चों का वास्ता पड़ता है, क्योंकि हमें तो नहीं पता। हम तो ऑफिस में या अपने ड्यूटीज़ के ऊपर हैं, तो जिसके थ्रू हमारा बच्चा घर में बैठकर ऑनलाइन एजुकेशन हासिल कर रहा है, लेकिन वो बीच में साथ में उसके साथ क्या चीज़ सामने आ रही है या कौन से लोग उसके साथ अटैच हो रहे हैं, तो हमें इस चीज़ के बारे में मालूम नहीं होगी। तो इस चीज़ का अवेयरनेस देनी हमने अपने बच्चों को। तो ये है कि आप रोजाना की बुनियाद पर अपने बच्चों को कंप्यूटर्स और उनके स्मार्टफोन्स या इंटरनेट से वाबस्ता किसी दूसरे भी आलात की जांच पड़ताल कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं कि उसने हिस्ट्री देख सकते हैं कि आज के दिन मेरे बेटे ने या बच्चे ने क्या चीज़ एक्सप्लोर किया। तो लेकिन ये बातें आपको मतलब बड़ी हेल्पफुल देंगी, लेकिन हम वाकई अपने बच्चों के बारे में कितना जानते हैं ये आपको पता है। चले ये भी देखते हैं कि लिहाजा हम आपको सख्ती से मशवरा देते हैं कि सब्र करें और अपने बच्चों को सुने, और वो आपको सोशल मीडिया या प्लेटफॉर्म्स के बारे में सिखाएं जो वो इस्तेमाल करते हैं, या ताज़ा तरीन वीडियो जो YouTube पर वायरल हुआ है, तो सिर्फ उनकी बातों को सुनो और दिखावे में ऐसा लगाए दिखाएं कि आपको उस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं आता। तो इट मीन्स के इसके थ्रू इसके ज़रिए आपके बच्चे के अंदर जो है एक सिखाने की जो है ऑर्डनेस पैदा होगी या एक सिखाने। अब देखते हैं टिप नंबर 4, अपने बच्चों को ऑनलाइन सरगर्मियों की निगरानी के लिए वालदेन को कंट्रोल सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना चाहिए। ये किस तरह के सॉफ्टवेयर्स होते हैं? इंटरनेट पर रابطे के लिए बच्चों की बढ़ती हुई तादाद को देखते हुए वालदेन के लिए हर वक्त ऑनलाइन रहना या अपने बच्चों की निगरानी करना बहुत मुश्किल है, ये तो पता ही है सबको। वालदेन के कंट्रोल के लिए सॉफ्टवेयर जो है वो बहुत ही मदद कर सकते हैं, मतलब कुछ ऐसे पेरेंटियल गार्डियंस जो है सॉफ्टवेयर्स होते हैं कि आप उसके अंदर इंस्टॉल करते हैं तो आपको उनके बच्चों की पूरी हिस्ट्री जो है आप उसको देख सकते हैं। ये आपके बच्चों के लिए ऑनलाइन सलूक को ट्रैक कर दें, मतलब ऑनलाइन के अंदर वो लोग क्या कर रहे हैं, क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उसको ट्रैक कर दें, और अपने स्मार्टफोन या दीगर आलात पर वो क्या कर रहे हैं उस पर काबू पाने के लिए एक अच्छा तरीका है। ये सॉफ्टवेयर मतलब एक ऑनलाइन सर्विस की हैसियत से काम करते हैं, और वालदेन को बच्चों के इंटरनेट के इस्तेमाल की बेहतर निगरानी करनी भी चाहिए। देखने में आने से और कुछ ये भी देख सकते हैं कि आपका बच्चा जो है वो एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व हो रहा है या हो चुका है। अब हम बात करते हैं टिप नंबर 5, अपने बच्चों के डिवाइसेस पर एक एंटीवायरस नस्ब करें। बिल्कुल, आप अपने बच्चों की जो भी वो डिवाइस यूज़ करना चाहे वो लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, टैब हो या मोबाइल हो, अपने एजुकेशन पर्पस के लिए जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके अंदर सबसे पहले आप ये देखें कि जो है उसके अंदर एंटीवायरस का सॉफ्टवेयर होना चाहिए। हम सब जानते हैं कि बच्चे फितरी तौर पर मुजस्सिस और नई चीज़ों की तरफ बड़ी अच्छी तरह से बड़ी क्विकली जो है वो रागिब होते हैं, और वो आसानी से गैर इस्तेमाल वेबसाइटों से बदनीयती पर मबनी कुछ लोगों तक रसाई हासिल कर सकते हैं, या नामालूम वेब मकामात से वेब गेम्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं जहाँ से उनकी कंप्यूटर की या उनकी डिवाइसेस की इंफॉर्मेशन वहाँ चली जाती है। इस तरह आपको एक काबिल एतमाद कंपनी से एक अच्छा एंटीवायरस इंस्टॉल करने पर गौर करना चाहिए, और ज़रूरत भी है आपको। जो एक असल जो है आपका जो है जो बच्चे का डिवाइस होगा उसको इजीली स्कैनिंग करेगा, और उसके इंजन और फायरवॉल और खुदकार तरीके को जो है वो अपडेट और चेकअप करती रहती। तो इस तरह के सॉफ्टवेयर के थ्रू क्या होगा कि एंटीवायरस मतलब रॉन्ग वे से जो है वो बच्चों के डिवाइसेस के ऊपर जो है वो वायरसेस या कुछ रॉन्ग टाइप की जो है फाइल्स आपके डिवाइसेस के ऊपर नहीं आ सकेंगी। अब हम बात करते हैं टिप नंबर 6 की, और अपने बच्चे का सॉफ्टवेयर जो है अपडेट रखें। मतलब वो बच्चा जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा है, जिस टाइप का भी वो ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहा है, यहाँ इंटरनेट की हिफाजत का एक और टिप है जिस पर हर वालदेन को अमल करना चाहिए। ये यकीनी बनाएं कि आप चेक करते हैं कि आया आपके बच्चे के जो डिवाइस यूज़ कर रहा है इस्तेमाल में ले रहा है उसकी विंडोज़ या ऑपरेटिंग सिस्टम परफेक्टली जो है वो अपडेटेड है
या नहीं। अगर वो मतलब जैसे ब्राउज जैसे वो ब्राउजर्स करते हैं या प्लगइन्स हैं या डेस्कटॉप एप्स वगैरह है और इन तमाम के जो है वो सिक्योरिटी फीचर्स जो है वो तमाम सिक्योरिटी फीचर्स जो है वो ओके हैं या नहीं। इसका मकसद ये होता है कि आप उनके सॉफ्टवेयर को अपडेट रखें ताकि किसी भी तरह के जो है वो ट्रोजन या किसी भी टाइप का जो है वायरस उसके आले के ऊपर जो है या उसके डिवाइस के ऊपर ना आए। तो यही अब हम बात करते हैं टिप नंबर 7 की। बच्चों को एंटी मेलेरियल जो है वो नस करके देना चाहिए, इंस्टॉल करके देना चाहिए आपको जब वो ऑनलाइन हो। अब ये जो है एंटी मेलेरियल क्या होता है, ये एंटी मेलेरियल जो है एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है जो कि किसी भी तरह के वायरस को ब्लॉक करता है, फायरवॉल टाइप के भी। अगर आप सुनते हैं कि आपके बच्चे का पीसी सुस्त हो गया है, मतलब स्लो हो गया है और क्या कहते हैं पूरी स्क्रीन के और या स्किन के ऊपर जो है मुख्तलिफ पॉपअप आ रहे हैं, डिफरेंट टाइप के एडवर्टाइज आ रहे हैं और नए टूल बार्स भी आ रहे हैं इसके अंदर, डिफरेंट आपको शो हो रहा है, मतलब इस तरह के आपको सामने एक मुख्तलिफ तेज शुदा इंजन या मतलब जो आप जैसे हम सर्च करते हैं गूगल या इसके अलावा कुछ और टाइप के जो है वो सर्च इंजन आप उस सामने स्क्रीन के ऊपर पॉपअप होकर आ रहे हैं, तो गलती के पैगाम के बारे में शिकायत हो रही है, तो ये मिलियनेयर इन्फेक्शन के इंतबाही अमल जी। अब हम बात करते हैं टिप नंबर 10 की। देखिए ऑनलाइन आदात की हकीकी ज़िंदगी के नतज होते हैं, ज़रूर होते हैं। जब आप अपने बच्चे को देखें कि उसकी जो है उसका बिहेवियर जो है वो चेंज हो रहा है या उसकी जो है कुछ एक्टिविटीज़ बदल रही हैं, तो आप बिल्कुल गौर कर रहे हैं कि उसकी क्या एक्टिविटीज़ हैं सोशल मीडिया के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर। तो ऑनलाइन रहने के खतरात को समझने के लिए बच्चों के लिए कितना मुश्किल काम हो सकता है कि इन दिनों साइबर सिक्योरिटी का शऊर नागुरेज है। हमें उन्हें ऐसे अजनबियों से ऑनलाइन बात करते हुए उससे परहेज़ करना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि अजनबियों से बात ना करें जो ऑनलाइन पर होते हैं। अब उसमें गेमिंग के दौरान स्ट्रीमिंग भी करते हैं बच्चे, वो भी हो सकता है, या फिर जो है मतलब मुख्तलिफ जो है वो चैटिंग में भी वो इन्वॉल्व हो सकते हैं। इसमें जो होता है कि जाली और हकीकी खबरों के दरमियान फ़र्क करने का तरीका सीखने का तरीका आना चाहिए बच्चों को। तो इस लिहाज से भी आप ये चीज़ देखें कि आपका बच्चे का बिहेवियर क्या चल रहा है और इस हिसाब से जो हम इसको कंट्रोल में ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो से जो है आप लोगों को स्पेशली जो पेरेंट्स हैं उनका फ़ायदा होगा और हुआ होगा, और जो स्टूडेंट्स हैं जो हम देख रहे हैं हमारे स्टूडेंट, तो वो भी इस चीज़ को मद्देनजर रखें कि इस वक्त जो है आप भले घर में एक कमरे में बैठे हुए लेकिन आप जो है पूरी दुनिया के जो है एक्सेस कर सकते हैं। तो उसके अंदर आपको अच्छे बुरे लोग हर तरह के लोग आपके पास आएंगे, आपसे जो है आपको जो है एक्सेस करेंगे। तो बेहतर है कि आप समझें कि हमारे लिए कौन सा शख्स बेहतर है या कौन सा जो है हमारे लिए नुकसानदेह जो है एक्टिविटीज़ हमारे लिए रखता है। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखिए। तो हमारी यही गुजारिश है पेरेंट्स से भी और स्टूडेंट से भी कि जो प्रॉपर वे में आप इसको पॉजिटिव वे में यूज़ कर रहे हैं, अपने इंटरनेट को, सोशल मीडिया को, एवरीथिंग, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करने के लिए ही बनाई गई है, लेकिन हर मुमकिन कोशिश हो तो वो इसको आप अपने बच्चों को बताएं कि इसका पॉजिटिव वे में ही इस्तेमाल किया जाए। अब ये ठीक है, गेम्स आप खेल सकते हैं, आप दिन में जो है 1-2 घंटा गेम्स खेल सकते हैं। अब ये भी नहीं कि आप पूरा दिन जो है बच्चा गेम्स के ऊपर लगा रहे और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग करता रहे और ऑनलाइन जो है वो लोगों के साथ चैटिंग करता रहे, तो उसका बिहेवियर आप समझ सकते हैं कि इस वक्त बच्चा हमारा किस वे के अंदर जा रहा है। तो ये हमारे पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों के ऊपर नज़र रखें, और बच्चों की भी जिम्मेदारी है कि इन तमाम सोशल मीडियाज़ को या तमाम जो है जो हमारे इंटरनेट के ऊपर एक्टिविटीज़ होती हैं इन सब को जो है पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करें। तो आई होप कि आज के इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ मिला होगा। तो मिलते हैं अपने फिर नेटवर्किंग के मज़ीद और क्लासेस के साथ, जब तक कि हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।